हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अजमत। चलो, एक ब्रदर का कमेंट आया था, ये दिक्कत बहुत सारे भाइयों को आ सकती है या आई भी होगी, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा, उनका सवाल सुनिएगा। पहले तो उनका सवाल ये है कि उनकी एक मुर्गी है, वो अंडे दे चुकी है, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने अंडे दी हुई है। ओके दोस्तों, मतलब बहुत सारे मुर्गियाँ रहते हैं और कितने अंडे दिए पता नहीं चलता है ना यार, इसीलिए तो वो मुर्गी खुड़क नहीं हो रही है। ओके, वो कितने दिन कितने अंडे दिए पता नहीं है, पर दिए है अंडे, पर खुड़क नहीं हो रही है। ओके, इसके ऊपर ये वीडियो एंड तक देखते जाइएगा किस तरह कर सकते हैं हम। ओके तो ओके दोस्तों, मुर्गी अगर से अंडा दिए के बाद अंडा बंद कर देती है तो इस तरह बैठ जाती है खुड़क डब्बे में, दिखाई दे रही होगी आपको, हाँ ये डब्बे में इस तरह बैठ जाती है दोस्तों। तो जब हम इसे निकाल कर अंडों पे बिठा सकते हैं, तो कुछ मुर्गियाँ ऐसे होते हैं कि अंडे देते हैं फिर वो खुड़क नहीं बनते। ओके, उनकी मुर्गी देसी है बोल रहे हो भाई, पर कुछ मुर्गियाँ ऐसे रहते हैं कि नहीं होते, पर देसी में भी कुछ मुर्गियों में यह दिक्कत आ सकती है। पर हम अभी उसको खुड़क किस तरह करना है। ओके दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जो भी अंडे में जो 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 डब्बों में अंडे दे रहे हैं आपके मुर्गियाँ, वो अंडों पर निशानी लगाना है, कुछ भी डब्बे के नीचे काढ़ी या कुछ भी निशानी लगा सकते हो। वो मुर्गी आपको, जो मुर्गी को खुड़क बिठाना है आपको, वो मुर्गी को आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हो कि वो अंडे दे रही है अभी या नहीं दे रही है। ओके दोस्तों, अगर से आप मार्क लगाओगे अंडे के ऊपर तो नेक्स्ट डे आपको पता चल जाएगा वो अगर से अंडा दी है तो वेट करिएगा कितने अंडे देगी वो। अंडे दिए के बाद वो ऑटोमेटिक खुड़क बैठ जाएगी और आप बिठा सकते हो। ओके दोस्तों, ये हो गया है। उसके बाद आपको ये भी दिक्कत आ सकती है कि वो अंडा नहीं, अब तक दी होगी एक 13 या 15 या कितने भी अंडा दी होगी, दिए के बाद वो पहचान नहीं सक रहे हो, जो भी मुर्गी के ऊपर डॉट है आपको, तो आपको क्या करना होगा, एक लॉकर ले लीजिएगा, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इस तरह जाली बना लीजिएगा, ये मुर्गी फार्म में बहुत यूज़ होती है। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस तरह आपको किस तरह बनाना है। ये आई कार्ड जो दिख रहा है, ये आई कार्ड पर मेरी प्लेलिस्ट दे दूंगा, मेरे यूट्यूब में आपको लगभग 100 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें मुर्गी पालन की हर जानकारी मिल जाएगी। और भी जानकारी डेली आपको आना रहे तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है बस वो दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे हर वीडियोस आपको आते रहेंगे। ओके दोस्तों, अभी इन्फॉर्मेशन ध्यान से शॉर्ट में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक डब्बे को मार्क लगाना है आपको, जो भी मुर्गी के ऊपर डाउट है, मतलब वो मुर्गी अंडे दे रही है या नहीं दे रही है, आपको गारंटी पता चलना है कि वो 2 दिन देखिएगा वो। ओके दोस्तों, कुछ मुर्गियाँ 2 दिन नागा करते हैं अंडा देने के लिए, 3रे दिन पे आपको उस तरह मुर्गी ले लेना है, ले लेकर जो इस तरह आप बैठ जाएगी, या वरना आपकी मुर्गी वो जिस पे डाउट है वो मुर्गी नहीं बैठ रही है तो एक लॉकर में डाल दीजिएगा, 2 दिन डाल दीजिएगा, 2 से 3 दिन डाल दीजिएगा। वो 3 दिन के बीच में वो लॉकर में अंडा नहीं दी तो मुर्गी को ले लीजिएगा, 4 अंडे गंदे अंडे एक टोकरे में रखिएगा, और टोकरे में रखिए उसको मुर्गी को बिठा दीजिएगा, ऊपर से टोकरा ढापिएगा। ओके, यहाँ पर मेरा आई कार्ड पे वो वीडियो भी दे दूंगा आपको, वो प्लेलिस्ट में रहेगी कि किस तरह खुड़क बना सकते हैं हम नॉर्मल मुर्गी को, उस तरह खुड़क बनाकर वो मुर्गी को बिठा सकते हो यार। ओके, बहुत सारे भाइयों को दिक्कत होती है ये, इसीलिए वीडियो बनाने का मेन मकसद यही कि आपको दिक्कत ना हुए। ओके दोस्तों, इस तरह आप करने से गारंटी हो नॉर्मल मुर्गी भी खुड़क मुर्गी बन जाती है 99%, देसी हो तो 100% बन जाएगी। अगर से कुछ मुर्गियां रहते हैं, मतलब जो मुर्गियां अंडे देते हैं पर खुड़क नहीं बैठते, ओके दोस्तों, वैसे मुर्गियों को भी खुड़क बना सकते हैं, पर एक 50-50% चांस होता है। ओके दोस्तों, बना सकते हैं, एक 80% भी बना सकते हैं, पर उसको क्या करना है, 3 दिन इस तरह, 3 से इस तरह लॉकर में कितने दिन डालते हो आप वो मायने रखता है, 3 से 5 दिन भी डाल सकते हो, उसके बाद 4 अंडे डालकर आपको 1-2-3 दिन बिठाकर उसके बाद पूरे अंडे डाल दोगे उसके नीचे तो डेफिनेटली निकालेगी। वो फुल डिटेल्स आपको आई कार्ड पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में, वीडियो ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।